अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जीवे पाकिस्तान के साथ आमिर लियाकत हुसैन हाजिर खिदमत हैं और मेरे साथ हैं अजहर, अरशद, अमजद, अजहर दी बैंड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन मोहतरम, घमंड और तकब्बुर इंसान को खुद परस्ती में मुब्तला कर देता है। अच्छा, खुद परस्ती क्या होती है? खुद परस्ती ये होती है कि अपने आप से बेहतर किसी को समझना ही नहीं। मैं हूँ, मैं बस, मैं ये मैं जो होती है, इसी की वजह से बकरा छुरी के नीचे जाता है। इंसान के अंदर से अगर ये मैं निकल जाए, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं वो था, मैं ये था, मैं तो कोई भी नहीं, मैं तो था हो जाता है। इसलिए कि हर फना को फना ही होना है, बका तो सिर्फ अल्लाह ही। अच्छा, खुद परस्त इंसान जो है वो किसी का दोस्त भी नहीं हो सकता, लाख कोशिश की और उसका यही घमंड बिल आखिर उसकी तबाही और बर्बादी का सबब बन जाता है। इसी इंसानी रवैये की अक्कासी, आप सोच रहे हो मैं क्या बातें कर रहा हूं, इसी इंसानी रवैये की अक्कासी एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट में नजर नहीं आती। अच्छा, नजर नहीं आती। उसके एक मकबूल ड्रामा सीरियल में नजर आती, उसमें उसका नाम है घमंडी। घमंडी, घमंडी जो लोग होते हैं उन्हें अपने किसी किसी बहुत, यानी उनकी कोई एक क्वालिटी हो या उनके अंदर कोई खासियत हो, उस पर उन्हें गुरूर होता है। और आज मैं आपको एक बात बताऊं, एक अजीब गरीब बात, औरतें खुश हो जाएंगी, औरतें खुश हो जाएंगी, औरतें मतलब खवातीन, खवातीन मतलब लड़कियां, लड़कियां मतलब बच्चे, वो खुश हो जाएंगी। उसकी वजह ये कि मौलाए कायनात हजरत अली करम अल्लाह वजहुल करीम का कौल है कि गुरूर सिर्फ औरतों पर जायज है। गुरूर सिर्फ औरतों पर जायज है तीन बातों की वजह से, कि जब वो मगरूर होंगी और शादीशुदा हैं तो किसी दूसरे को लिफ्ट नहीं कराएंगी, मकसद ये है। दूसरा ये कि मगरूर होंगी तो वो चीज़ें बचा कर रखेंगी, उनको ये पता होगा कि मतलब ये जितना हिसाब किताब है इसमें से कुछ बचा लूँ, ये बचा हुआ उस आदमी काम आएगा जो अगले महीने ना कमा सके। और मगरूर औरत जो होती है वो किसी को अपने पास फटकने ही नहीं देती, तो छेड़म छाड़ी का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसकी तौजियात मेरी तरफ से, मैं वैसे बता रहा हूँ, तो ये आपको मैं बता रहा हूँ कि मगरूर गुरूर मर्द पर तो गुरूर है ही नहीं, मर्द को तो वैसे भी इंकिसारी और आजजी से पेश आना चाहिए। तो घमंड आप में कोई खासियत हो तो आप घमंडी हो गए। अब घमंडी ने ऑन एयर होते ही धूम मचा दी एक्सप्रेस में, और आज जीवे पाकिस्तान में घमंडी की आज जो, बल्कि कही कि घमंडी की मरकजी किरदार, वो आज हमारे साथ मौजूद है। और इस ड्रामे में जो घमंडी लड़की का किरदार अदा किया है उसका नाम है कुबरा। जिस राइटर ने भी, जरा चुस्की ले लो, जिस राइटर ने भी ये नाम रखा है, बहुत अच्छा नाम रखा है, क्योंकि कुबरा और सुगरा, कुबरा कहते हैं बड़े को, सुगरा कहते हैं छोटे, और अगर घमंडी कुबरा हो अल्लाह माफ करे। फिर सुन, नाम क्या साथ भी आ रहा है, कुबरा। अब इसमें इन्होंने कुबरा का किरदार इंतहाई खूबसूरती और इंतहाई महारत से अदा किया। और ये भी आपको बता दूं कि नाज़रीन से अपनी परफॉर्मेंस से ये भरपूर दाद हासिल कर रही हैं। बहुत दिलकश, मैंने अभी तक करीब से देखा नहीं, जाज़िब नज़र, ये भी अभी तक मैंने देखा नहीं, क्योंकि उससे पहले ये नकाब में थी, नकाब से मुराद मास्क में थी, मास्क से मुराद जो हम सब पहनते हैं, और जो हम सब पहनते हैं उससे मुराद ये कि ताकि हमें कोविड ना हो जाए। तो मैं भी उसमें था, ये भी उसमें थी,
मैं पाकिस्तान बना हुआ था, ये कुछ और बनी हुई थी, तो अभी तक देखा नहीं। लेकिन ये बात तय है कि पाकिस्तान में ड्रामा इंडस्ट्री में इस वक्त इनकी सूरत में एक नए चेहरे का इजाफा हुआ है, और ऐसा इजाफा हुआ है कि जिसने आते ही अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा लिया है। हालांकि इन्हें शोबिज में कदम रखे हुए ज्यादा अरसा नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने कम वक्त में मयारी काम करके, स्टैंडर्ड का काम करके आज ड्रामा इंडस्ट्री में एक नुमाया मकाम हासिल किया। बुनियादी तौर पर थिएटर आर्टिस्ट हैं, और थिएटर से जो लोग निकलते हैं मैं उनका बड़ा बच्चा हूँ, क्योंकि थिएटर पर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब तो वो थिएटर होता नहीं, लेकिन ये लोग जो थिएटर अब करते हैं वो कोई आसान काम नहीं है, और जो थिएटर से निकल कर आ गया वह फिर वो छा गया। अनवर मखसूस साहब की बात याद आई मुझे। अनवर मखसूस साहब कहने लगे कि यार, मुझसे कहा था कि वो पीटीआई का गाना लिखो, तब्दीली आई है। तो मैंने कहा मैं तो सियासी गाने लिखता नहीं, तो मेरे से तो मुश्किल हो जाएगा, मैं किसी भी पार्टी के लिए मैंने गाने लिखे। तो वो कह रहे थे, मैं एयरपोर्ट से आ रहा था, वहीं पर एमएमए के लोग भी खड़े थे, मुत्तहदा मजलिस वाले, कहले हमारे लिए कुछ कर दें आप, तो देखा आपके लिए तबलीगी आई। तो अनवर मखसूस साहब एक बहुत बड़ा नाम है, अनवर मखसूस साहब, और स्पॉन्टेनियसली मजाक को जो खूबसूरत रंग देते हैं, मेरा ख्याल है अनवर मखसूस से बेहतर इस वक्त तो पाकिस्तान में कोई भी नहीं है। तो इन्होंने उनके टेली थिएटर से, जो थिएटर प्ले था उससे इन्होंने कदम रखा, और फिर उसके बाद इनकी मुतासिर कुन जाज़िब नज़र, इंतहाई पुरकशिश शख्सियत के सबब इनको ड्रामों में काम की पेशकश मौसूल होने लगी, और 2017 में ड्रामा सीरियल ऐसी थी, उसका नाम ऐसा था कि वो हर वक्त हर एक को कायम रखना चाहिए, भरोसा से इन्होंने ड्रामा करियर का आगाज किया, और इस सीरियल में सामिया के किरदार में, एक हमारी जानने वाली है जो लाहौर में रहती है, बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर है सामिया खान, जो सामिया के किरदार से इन्हें शोहरत मिलना शुरू हुई, और फिर ड्रामा सीरियल जो आजकल हमें सब पहुंचाते हैं, आपको भी पहुंचाइए, मुझे पहुंचाइए, ठेस बहुत अपने पहुंचा, ठेस में जोया का किरदार भी इन्होंने बहुत खूबसूरती से निभाकर ये नाज़रीन की पसंदीदा फनकारा बन गई। ड्रामा सीरियल खताकार, और फिर गली में आज चांद निकला, वैसे गली में चांद नहीं निकलता, आसमान पे निकलता है, गली से नजर आता है, ख्याल करो। चांद भी क्या हर इलाके के हैं, एक गली में निकलना है, उस गली में निकलना है, इस गली में निकलना है, कौन है चांद? चांद पुलिया में बैठे हुए लड़के हैं कि उसकी गली में निकला है, इसके लिए आसमान पे निकला, गली से देख ले, गली में चांद काय को निकले, गली में चांद, गाने गलत है, खाना गलत, गाना बिल्कुल गलत है, चांद कहाँ निकल जाए आसमान पर, मगर वो गली में निकाल ले, लेकिन इनका भी गली में चांद निकला, तो गली में चांद निकला, इसमें इनकी अदाकारी मुतासिर कुन रही। ड्रामा सीरियल मेरे तो बहुत हैं, इनका पता नहीं कोई है कि नहीं, लेकिन मेरे मौसी, आपके मौसी, हाँ मेरे मौसी बहुत, हर आदमी मेरा मौसी, और इसमें सिदरा नाम इनका बड़ा अच्छा उसमें रखा गया, सिदरा के किरदार में भी इन्हें काफी पसंद किया गया, लेकिन जो ड्रामा सीरियल इनकी पहचान बना वो था, क्या था? कहीं दीप जले कहीं दिल, कहीं दीप जले, और इस ड्रामे में सबा हमीद, अली अब्बास, इमरान अशरफ और पत्थर जैसे बड़े अदाकारों के मौजूद, यानी नीलम मुनीर जैसे सीनियर फनकारों के मद्दे मुकाबले शामीला के किरदार में तो इन्होंने कमाल ही कर दिया।
साबित कर दिया कि ये मनफी और मुस्बत हर तरह के किरदार यकसा महारत से अदा करने की सलाहियत रखती है। अब तक जिन ड्रामा सीरियल्स में काम कर चुकी है, आ जाए आमिर भाई। हाँ। और बल्कि कहूंगा जिन ड्रामा सीरियल में काम कर चुकी है और अपने फन से लोगों को गर्विदा बना चुकी है, उनमें सबसे पहले इन्होंने कायम किया भरोसा। ओहो, भरोसा या इन पर कायम हुआ भरोसा। जैसे ही भरोसा कायम हुआ, जब भी आप भरोसा कायम करेंगे या आप पर भरोसा होगा, आपको ठेस लगेगी। ठेस? और जब आपको ठेस लगती है तो आप तकलीफ में आके घर से बाहर निकलते हैं तो गली में चांद नजर आता है। वाह वाह, गली में चांद। लेकिन आप गली में चांद देखकर वापस घर में आए भी तो लोग आप ही को खताकार समझेंगे। खताकार। और फिर उसके बाद आप पर तोहमत लगा दी। अच्छा है। और तोहमत लगाने वाले मेरे मोहसिन होंगे। मोहसिन। मगर ऐसे मेरे मोहसिन का क्या फायदा जो कमजर्फ हो। इसलिए बेपरवाह रहना चाहिए, क्योंकि दर्द रुकता नहीं है। दर्द। और जब दर्द रुकता नहीं है तो कहीं दीप जले कहीं दिल। फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि तन्हा तन्हा रहना पड़ता है, क्योंकि जिंदगी एक शराब है और शराब में इंसान को ऐसे रहना चाहिए या तो इनकिसारी के साथ या घमंड के साथ। आगे जाके शायद आपको लफंगे भी मिले, लेकिन लफंगे बड़े पर्दे में मिलेंगे आपको। लफंगे छोटी मोटी जगह पे नहीं होते भाई, बड़े पर्दे पे लफंगे मिलेंगे। इस्तकबाल कीजिए, मैं काफिया मिलाता हूं। जिनका कोई नहीं है नजीर, जिनका कोई नहीं है नजीर, हुस्न दौलत से वो अमीर ओ कबीर, हुस्न दौलत से वो अमीर ओ कबीर, फन की है वो असीर, फन की है वो असीर, इंडस्ट्री को किया तस्खीर, इंडस्ट्री को किया तस्खीर, तशरीफ लाती है नाजिश जहांगीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी जो है बहुत, आपने भाई काम किया माशाल्लाह और थिएटर से किया और अब तो आप जगमगा रही हैं आप घमंडी में, तो आप धूम मचा दी घमंडी ने। और कुबरा, कुबरा कुबरा बेहद खूबसूरत है लेकिन बड़ी खुदगर्ज भी है, क्यों? मुझे लगता है आपने जिस तरह से कुबरा को डिस्क्राइब किया है, मेरे पास लफ्ज़ ख़त्म हो गए हैं। आपने ले लिए मेरे लफ्ज़। अच्छा, आपके अलावा किसी को उस ड्रामे में खातिर में नहीं लाती? खुद को आप शहजादी समझती हैं और आप किसी शहजादे की मुंतज़िर हैं कि जो आए वो आपको ले, और आपके आगे कोई कुछ कर नहीं सकता, मतलब किसी की परवाह नहीं है आपको, और आपने इसमें बहुत डूब के इसको अदा किया है, इसी वजह से नाज़रीन में ये बहुत मकबूल हुआ है। तो आपको डूबना पड़ा या आप हैं ऐसी? नहीं नहीं, लोगों को शक्ल देख के लगता है ऐसी, लेकिन मुझे बिल्कुल अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ा, मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ। पक्की बात? क्योंकि देखिए बाज ऐसे होते, क्योंकि मुझे ये तो पता है कि अप्रैल के लोग ऐसे नहीं होते। अच्छा, 28 अप्रैल को जो पैदा हूँ वो ऐसे नहीं होते। तो अगर आप 28 अप्रैल को पैदा हुई हैं तो अप्रैल के लोग घमंडी नहीं होते, लेकिन ये बात तय है कि खातिर में किसी को नहीं लाते। ये कह सकते हैं थोड़ा बहुत है, लेकिन खुद गर्ज नहीं है। खुद गर्ज एक अलग चीज़ है, वो तो आप है ही नहीं, वो तो हो नहीं सकते। खुद गर्ज तो ज़ाहिर है ड्रामे की डिमांड भी होगी, लेकिन खातिर में नहीं लाना मतलब ये, हाँ ठीक है, अच्छा आमिर ले आना, होंगे चले ठीक है जा रहे। नहीं नहीं, इतना नहीं है। अच्छा, थोड़ा बहुत इतना नहीं है। अच्छा, इस्लामाबाद में माशाल्लाह
पैदा हुई, वहीं पली बड़ी, कश्मीरी हैं। और कश्मीर के लिए जोरदार नारा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अच्छा, और यही आपकी यानी सुर्ख और सफेद रंगत है, इसका राज कश्मीरी, इसको कहते हैं कश्मीरी हुस्न। तो आप ये बताएं कि इसका मतलब आपका जो घराना है श्रीनगर वगैरह से? अम्मा थी वहां से। देखो कैसे पहुंचो श्रीनगर, किसी खास वजह से पहुंचो, बाद में बताऊंगा अकेले मेरे को। जी अम्मा थी वहां से, तो मुझे लगता है कि कुछ तीन बहनों में से दो बहनों पे अम्मा का आ गया है, दो आप पर अम्मा का है। अल्हम्दुलिल्लाह श्रीनगर अब्बा भी बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल अब्बा खूबसूरत होंगे, लेकिन एक खास चीज श्रीनगर की होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। श्रीनगर की जो खवातीन होती हैं उनकी बोलती पेशानी होती है। अच्छा, बोलती पेशानी, बोलती पेशानी जो, हाँ मतलब ये कि आप इनकी पेशानी में बहुत कम सिलवटें आती होंगी, बहुत कम। श्रीनगर का खास माहौल है। अच्छा, जितनी खवातीन होंगी बड़ी उम्र छोटी उम्र, उनकी बोलती पेशानी होगी, पेशानी बात करती है। वाह, ये लोग खुद बात नहीं करते, पर्देदार खवातीन वहाँ की होती हैं श्रीनगर की, तो पेशानी बोलती है, बात करेंगे। अब आपके आपको अगर ये बात नहीं समझ में आ रही, हाँ। लालू खेत के लोगों से सुना है। बचपन में आप बहुत चुप रहती थी, शर्मीली थी, और स्कूल में इंटरवेल जब होता था तो आप दीगर तालिबिन तफरी में मसरूफ हो जाते थे, आप तब भी किसी कोने में शर्माई सिमटी सी बैठी हुई किताब पढ़ रहे थे। शर्माई भी नहीं, मैं बहुत जल्दी घुल मिल नहीं सकती स्टिल आज तक, मुझे बहुत टाइम लगता है, तो वो स्कूल में भी मुझे बहुत टाइम लगा, और जितना टाइम लगना था उतने में स्कूल ख़त्म हो गया। मगर आपको सीखने सिखाने का तो बहुत शौक। सीखने का शौक है। अच्छा, जानने का भी है? जानने का भी। मेरे बारे में कुछ नहीं जानना चाहिए? आप बताइए। बता दो। आपके बारे में किसको नहीं पता? अच्छा अच्छा, क्या क्या पता है किसको नहीं, अब हमें बताओ। अच्छा, म्यूजिक तो आप सही बजा रहे हैं। सबको सब पता है। अच्छा, मसलन मिसाल के तौर पर आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, मुझे ये पता है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत। आजा कसौटी की तरफ बढ़ने से पहले ये मुझे बताइएगा कि कभी शरारत नहीं की बचपन में? शरारत नहीं, नहीं की होगी, इतना भी नहीं था। नहीं, मगर बहन भाइयों से मार दिखाई? नहीं नहीं नहीं, मैं अम्मा की बहुत लाडली थी, और थोड़ी ऐसी थी कमज़ोर सी, तो अम्मा कहती थी कि इसको नहीं मारना, इसको मारा तो ये गई। अम्मा हयात है? नहीं, शी पास्ड अवे। अल्लाह ताला उन्हें खरी रहमत करे, आमीन, और उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब। आइए कसौटी की तरफ बढ़ते, कसौटी खाना हादसा मकाम वाक़ या शख्सियत? शख्सियत शख्सियत की तरफ जा रही है नाज़िश जहांगीर, और शख्सियत क्या होगी अब ये तो वक्फे के बाद ही पता चलेगा भाई। तो वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते द बोल्ड एंड ब्यूटीफुल नाज़िश जहांगीर हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन पहले एक वक्फा, अब वक्फा इन तीनों के लिए, वक्फे बाद हाजिर होते हैं। जीवे पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुश आमदी। कभी कभी आहिस्ता भी बोलना चाहिए, आहिस्ता भी कभी कभी अच्छा लगता है। तो आज हम आहिस्ता आहिस्ता सारी बात करेंगे, कुछ और ना समझ लेना तू। हमारे यहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं जो इधर ही उधर फिरते हैं, ऐसी बातें करते हैं, मगर वो नहीं है जो हम समझते हैं। नाज़िर जहांगीर, शख्सियत की तरफ आप आई हैं, और शख्सियत दस इशारे बहुत प्यारे, जैसे कि हमारे वो इशारे मैं आपको करूँगा, करूँगा नहीं कुछ भी, वो इशारे कहलाएंगे। उसमें ये होगा कि आपको मैं उस शख्सियत के बारे में 10 हिंट्स दूंगा, ठीक है?
आपने उन हिंट्स के दरमियान ही रहते हुए उस शख्सियत को गेस करा और मुझे यकीन आप कर लेंगे इसी के आप ज़हीन हैं और माशाल्लाह ये भी लगता है कि ज़्यादा ही ज़हीन है तो इसलिए कि आप कर लेंगी मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं शख्सियत बहुत डाल दिया आपने मेरे नहीं नहीं मैं मुझे असल में यकीन है ना जिस चीज़ का मुझे यकीन होता है मैं उसके बारे में जानता हूँ कि वो कर लेंगे अच्छा जो भी मैं शख्सियत आपसे पूछने के लिए जा रहा हूँ ये जहन में रखिएगा कि मैंने ये सोच कर ये किया है कि आप माशाल्लाह नौवारिज हैं और मैं पॉलिटिक्स में जाता स्पोर्ट्स में जाता ये तो मैं आप ही के शोबे में आया हूँ दाखिल शख्सियत जिंदा है ठीक है खातून है ठीक है बड़ी अदाकार है ठीक है पाकिस्तान में नहीं रहती अब पाकिस्तान में नहीं रहते अब लेकिन आती जाती रहती आती हैं ड्रामे करती हैं चली जाती हैं ड्रामे कर रही हैं ड्रामे कर रही हैं चली जाती हैं और मतलब ये बढ़िया दिखा रहे 17 जनवरी को पैदा हुई 1994 मुमकिन है गलत हो क्योंकि ख्वातीन की साल कभी नहीं बताना चाहिए लेकिन हो सकता है रीसेंट कोई ड्रामा और रोमांटिक ड्रामे बहुत किए रोमांटिक ड्रामे बहुत किए मतलब ये कि बहुत अच्छे किए बहुत जबरदस्त किए और मैं तो मेरा ऐसा ताल्लुक है कि उनसे मेरा भी ताल्लुक उनसे मेरा ये ताल्लुक है कि मेरा देखे ना बताऊँ मेरे ताल्लुक है कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं बस इनकी एक बहन भी है तीन इशारों इनकी एक बहन है बहन है वो भी इसी इंडस्ट्री में काम कर रही है शुरू किया है करना लेकिन जो ये है वो नहीं जो वो है वो ये नहीं रोमांटिक ड्रामे और जो दोनों है वो कोई भी नहीं रीसेंट कोई ड्रामा किया है उन्होंने रीसेंट भी ड्रामा किया उन्होंने बिल्कुल किया और ये नादानिया में भी आ चुकी है जियो का याद है आपको नादानिया उसमें आ चुकी है अपने करियर का आगाज इन्होंने नादानिया से किया अभी रीसेंट कुछ किया इन्होंने मैं तो आपको शुरू से लेके चल रहा हूँ नादानिया बताता हूँ ये यासिर नवाज और निदा यासिर और वो कौन से वाला अपना दानिश इन तीनों ने मिलके किया था और तस्वीर लगी होती थी अबू उसको क्या देखते देखा नहीं ना मैंने वो उस तरह से नहीं देखा नहीं अच्छा कोई एक और ड्रामा एक और ड्रामा बता दिया तो मसला हो जाएगा इससे कि बहुत बड़ा मसला हो जाएगा लेकिन ये कि मतलब कि बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने काम इतना अच्छा किया कि मैं बस क्या बताऊं आप उनके मुताले सवाल करें ना जो आपको समझ में आ रहा है ड्रामों की तो एक फहरिस्त है चैनी फिल्म की फहरिस्त है फिल्मों की फहरिस्त है रोमांटिक किया है बहुत काम कौन से ऐसे सीनियर हैं जिन्होंने रीसेंट अभी उनका नहीं आया कोई एक भाई भी उनका एक भाई भी है उनका उनकी वालदा जो थी वो मेरी अम्मी की दोस्त थी और उनकी वालदा मीलाद पढ़ा करती थी एक ज़माने में घरों में ख़वातीन मीलाद पढ़ती थी आज भी पढ़ती हैं तो एक बहुत बड़ा नाम था मौलाना शाहमद नूरानी की बहन उनका नाम था डॉक्टर फरीदा अहमद डॉक्टर फरीदा अहमद के साथ वो आती थी मीलाद पढ़ती थी बेहतरीन खातून थी इनकी वालदा एक ही बहन है इनकी या बहनें हैं एक बहन एक भाई एक बहन एक भाई है और इनकी जो वालदा थी उन्होंने अभी हालिया दिनों में उनका इंतकाल हुआ है राहत उनका नाम था राहत एक तो मैं नामों में इतनी बुरी हूँ और
कौन सी चीज मैंने चुन ली है। अच्छा, इन्होंने हम अवार्ड जीते, इन्होंने लक्स स्टाइल अवार्ड जीता है, इन्होंने पाकिस्तान मीडिया अवार्ड जीता है, इन्होंने लक्स स्टाइल अवार्ड फिर जीता है, इन्होंने पाकिस्तान मीडिया अवार्ड फिर जीता है, इन्होंने फिर लक्स स्टाइल अवार्ड जीता है, इन्होंने फिर हम अवार्ड जीता है, इन्होंने फिर लक्स स्टाइल अवार्ड जीता है, इन्होंने फिर लक्स स्टाइल अवार्ड जीता है, इन्होंने फिर लक्स स्टाइल। यार सीनियर की बात कर रहे हैं, मैं तो अवार्ड बता रहा हूँ, ये जीते इन्होंने, सीनियर एक्टर हैं। देखिए अब सीनियर में ये होगा कि अगर मैं आपके ये गूगल करने की नहीं हो रही, गूगल को कैसे बताऊंगी मैं? अगर मैं आप किसी से पूछ सकती हैं, अगर मैं आपको कहूँ सीनियर, सुने तो आप सीनियर नहीं हैं। हाँ। सही है ना? हाँ। लेकिन सीनियर आदमी कब होता है? दो तरीकों से होता है, काम से। एक तो बहुत ज्यादा काम कर चुका, तो बहुत ज्यादा काम कब करेगा? उम्र के हिसाब से। और एक बहुत ज्यादा काम कम उम्र में ही आदमी कर लेता है, वो भी सीनियर होता है। तो ये वो हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा काम कर और कम उम्र में किया, और कम उम्र और सीनियर है, और सीनियर और पाकिस्तान और भारत जाके भी किया, भारत जाके भी किया और ऐसा किया है, और ऐसा किया भारत जाकर कि इनके काम की वजह से भारत की एक अदाकारा अमर हो गई। काम इनका था, जो कुछ हो रहा था इनके लिए हो रहा था। अच्छा एक सेकंड, भारत में जाके भी काम किए, हैरत है। मैं पूछूं किसी से? नाम हैरत तो नहीं हो सकता, लेकिन काम सारा हैरतनाक है, बल्कि हैरत अंगेज। ये कंफर्म है कि वो पाकिस्तान में नहीं रहती, काम के लिए आती जाती हैं। इस वक्त नहीं है, इस वक्त नहीं, मतलब ये कि दो तीन साल से नहीं है। कितनी बुरी बात है ना कि मैं हार जाऊंगी बात पर, वरना वो यहाँ की ही है, यही आती जाती रहती है, और उनके ना होने से इंडस्ट्री की रौनकें बांध पड़ जाती है। इंडिया जाके किसके साथ काम किया उन्होंने? इन्होंने इंडिया में गिरीश कोहली के साथ काम किया, और उसमें कोर्ना वेंकट भी है। ये और इसके अलावा इसमें जो बड़ा नाम एक और है, वो है अक्षय खन्ना। अक्षय खन्ना कुमार ने, अक्षय खन्ना है, अक्षय खन्ना, इनका तो मुझे भी नहीं पता। एक नए है कभी नहीं सुना मैंने ये ना। चलो अक्षय खन्ना ही है, मैं तो ऐसी खन्ना क्या, असल में ये खन्ना आदमी है, इसने अपने बाप को जिंदा कर दिया, विनोद खन्ना को। हाँ। अगर किसी ने जिंदा किया दोबारा, अक्षय खन्ना, अक्षय खन्ना, अक्षय खन्ना है उस मूवी में। ये कोई रीसेंट मूवी तो ना हुई फिर? अक्षय खन्ना क्या रीसेंट मूवी नहीं आता, अभी आर्टिकल 376 में आया भाई। क्या उसने एक्टिंग की है, क्या वकील बना है वो? अक्षय खन्ना मेरा फेवरेट अदाकार है, आप मुंह टेढ़ा करके बात करते हैं। हाँ। और कौन है? अक्षय खन्ना है। आप गेम खेलने आई हैं, गूगल करने आई हैं, इसमें आपने गूगल को उठाया, कोशिश की है अक्षय खन्ना लिखने की रीसेंट। अक्षय खन्ना ने कमाल काम किया भाई, और हमारी पाकिस्तानी एक्टर या और नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी था। ओ नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी थे, अक्षय खन्ना भी थे। जी अब आपको दो बड़े एक्टर तो बता दिए। ये मैं पूछ सकती हूँ? नहीं ये ना कर, गूगल लगा, अक्षय खन्ना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नहीं भाई अक्षय खन्ना। अच्छा जो उनका नाम था ना पहले,
अच्छा नाम भी चेंज हुआ है। अब नाम चेंज हो गया। पहले क्या था? या आखिरी चार है। नाम चेंज हो गया। नाम उनका 1.5 साल पहले तक कुछ और था, अब नाम कुछ और वो जिस घर में ब्याही है। ब्याही भी है? ब्याही भी। फिर मैं रीसेंट ब्याही। जाहिर है कि 1.5-2 साल पहले ब्याही। हाँ। तो रीसेंट ही हुआ। हाँ। तो जिस घर में ब्याही है उस घर में जो उनके ससुर हैं वो ऐसे है कि जिनकी अगर आप तस्वीर यहाँ लगा दें तो मैं कहूँ सर, सोच मैं कहूँ सर पाकिस्तान का, मुझे लगता है इतना बड़ा नाम है वो, मुझे पता नहीं पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम है वो, कोई इशारा असल में आप किसी की सुनती है, नहीं सुनती है, पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम है वो शख्स कि अगर वो ना होता तो पाकिस्तानी टेलीविजन इंडस्ट्री अधूरी रह जाती। उसकी बहू है वो सज्जल। सज्जल अली। कौन सी मूवी है नवाजुद्दीन वाली? मॉम। उसमें नवाजुद्दीन थी? जी नवाजुद्दीन जो कमीने थे उसमें। अरे अब मैं आपको श्री देवी क्यों बताता? और मैं आपको श्री देवी या वो एक हमारे पाकिस्तानी अदाकार है जिनका मैं नाम नहीं लेता हूँ वो क्यों बता? और ये कट नहीं होगा मोइस? हाँ ये कट नहीं होगा। ये पाकिस्तानी अदाकार है एक हमारे, मैं उनका नाम नहीं लेता हूँ, जो सरफराज अहमद के साथ जिन्होंने बुरा सलूक किया, तो मैं उनका नाम क्यों लेता? मैंने तो वो नाम लिए जो दुरुस्त है। एक बात, वो यहाँ है अभी पाकिस्तान में? अभी नहीं, अभी कैनेडा। अभी पिछले महीने तो थी? पिछले महीने में तो मुर्गी भी 18 अंडे लेके चली जाती है। सिर्फ ये अगर आप ना बताते, अगर आप ये ना बताते ना शादी वाला, तो मैं थी 40-50 पे वहां वाली सीनियर। लेकिन मैं आपको ले गया, मैं असल में आपको ये खाली चांद के ऊपर लगी हुई तस्वीर ने जिसको मैंने कहा यस सर में गया। आसिफ रजा मीर जैसा, तालियां होनी चाहिए, आसिफ रजा मीर जैसा अदाकार पैदा हुआ है, पैदा होगा न पैदा हो सकता। शादी वाला नाम बताते तो फिर ना पता चलता। हाँ ये बात है, लेकिन अब वो है सज्जल अहद मीर। और सज्जल बहुत अच्छी खातून है, अभी उन्होंने मेरी तबीयत भी मालूम की थी, आप उनकी वालदा को अल्लाह ताला हयात दे। तो ये आपने माशाल्लाह कसौटी की आखिरी सीढ़ी पर कदम रख कर नाम बता दिया, कमाल कर दिया आपने। फिर इधर बुलाएं इसकी दरवाजे, क्या ठोकर वही खाता है जो रास्ते का डैश नहीं हटा, यहाँ भी उठाना पड़ेगा पत्थर। देखिए पत्थर उठाएंगे तो आप रास्ते में ठोकर नहीं खाएंगे। पत्थर जवाब दो। जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती हैं, ऐसी होती हैं जिनको देखने के लिए फकत डैश काफी नहीं होती। आंखें देखना है। सही बात। आप दिल के अंदर नहीं झांक सकते आंखें नहीं, आप ये नहीं देख सकते कि आपका सीना जकड़ा हुआ है कि नहीं, उसके लिए एक्सरे चाहिए होगा। आपकी आंखें अल्ट्रासाउंड नहीं कर सकती, अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। तो आंखें हर चीज नहीं देख सकती, आंखें ये भी नहीं देख सकती कि इंसान के मन में क्या है, वो जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, और वो जो सोच रहा है वो क्या सोच रहा है। तो आंखें इज द राइट आंसर। सब्र रखो, हर चीज आसान होने से पहले डैश होती है मुश्किल। दुनिया में कोई भी चीज आसान नहीं होती, यहां तक कि निवाला भी आसान नहीं होता। जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद जब वो हप्पा मांगते हैं, हप्पा हप्पा खाने को कहते हैं, और उसके बाद जब वो उसको निवाला बना के देते हैं तो वो बड़ी मुश्किलों से चबाता है। शुरू में उसके लिए आसान नहीं होता,
लेकिन उसके बाद वो निवाले ही चबाता है और निवाले में बहुत कुछ चबा देता है, जैसा कि जगाना चंगेजी ने कहा कि जवां मेहनतों का समर खा गए, मेरे देश को अहले ज़र खा गए, जो खाना था खाते रहे उम्र भर, निवाले में आधा वतन खा गए। वाह वाह तो ए गुमसुम लड़की, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त। कभी अपने दोस्त की सच्चाई का इम्तिहान न लिया करो, क्या पता वो उस वक्त बेहोश हो और तुम एक मुखलिस दोस्त को खो बैठो। मजबूर इम्तिहान लेने के लिए परेशान नहीं किया जाता, इम्तिहान लेने के लिए कुछ मुद्दे सामने रखे जाते, इसलिए उसको मजबूर ना करें। मजबूर करेंगे तो दोस्त खो गए। मतलब एक आदमी, मतलब अजहर है, अब अजहर को आप मजबूर करें कि वो आपको उर्दू लुगत जहांगीरी से अच्छे अच्छे अल्फाज पढ़कर सुनाए, ये खो बैठेंगे आप, और आप इसे खोइए नहीं बैठेंगे, यहां से चलेंगे, इसका इंतकाल हो जाएगा, अल्लाह ना। लेकिन हो सकता है, खास तौर पर अगर इनको ये बताया जाए कि उर्दू में एक लफ्ज़ खाने हैरत और अफकार ज़ौलिज़ा भी होते हैं, जो खुश रंग व नखत बेस फूल बनकर आपके अफकार ज़ौलिज़ा में खुशबू फैलाते हैं, इनकी समझ में नहीं आए। और कुछ भी हो सकता है, लिहाजा ऐसा काम ना करो कि एक खो बैठो। बुरा वक्त चाहे कुछ लम्हों का ही, बहुत से लोगों की पहचान करा देता है, जिनको हम डैश समझते हैं। अपना लगता है आप बहुत तजुर्बा से गुजरे हैं। नहीं, अब आप बताएं, क्योंकि जिस अंदाज से आपने जवाब दिए, सोच सोच के अपना मजबूर तलाश, ये क्या चक्कर क्या है? सीधी सीधी बात थी, ऐसे ही चलता है। कुछ तो हुआ है जिंदगी में, बहुत कुछ हुआ है, है ना? कुछ थोड़ी है ना, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ। क्योंकि आप थोड़ी थोड़ी देरी बाद खो जाती हैं, कहीं 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 आप देखने लगती हैं, हर हर चीज, हर फिल्म द ब्लैंक में आपको कोई अपनी माजी की तस्वीर नजर आई है जिस पर आप खो गए। फिर आपने जवाब भी बिल्कुल सही दिए, इसका मतलब आप उसे गुजर चुके हैं, गुजर चुके हैं, गुजर रहे हैं, गुजरेंगे, ऐसे ही है, सब्र रखना पड़ता है। कितना सब्र किया? मेरे में बहुत सब्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, काफी। मेरी अम्मा भी मुझे कहती थी कि मुझे एक चीज पे बहुत आपकी, जब आपने कहा कि ये मैं आप कहना चाहता हूँ कि बहुत जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसको देखने के लिए फकत डैश काफी नहीं होती, तो आपने फौरन आंखें कहा, क्या क्या देखा है आपने ऐसा कि जो आपकी आंखें नहीं देख सकी थी, लेकिन आपने देखा और आपने बाद में देखा और आपने महसूस किया कि काश अगर ये मेरी आंखें देख लेती तो मैं समझ जाती। बहुत चीजें हैं, बहुत माजी के तजुर्बात हैं, बहुत। मैं आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही थी कि मैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक तजुर्बे और हादसात की इमारत से गुफ्तगू करूं। ऐसे ही है। ब्रेक पाकिस्तान। उठा का उठा रही। अच्छा, एक बड़ी ख़ास बात, आपने इनसे बहुत बहुत यानी रिक्वेस्ट करके एक चॉकलेट लिए, वो हम खा रहे हैं, कौन सी लिए वो बताएंगे नहीं, ब्रांड हो जाएगा, लेकिन उस चॉकलेट की वजह से दिल को बड़ी ढारस बनी है, क्योंकि चॉकलेट अगर कहीं नज़र आ जाए और ना मिले तो ये चॉकलेट का कसूर नहीं है, मेरा कसूर है कि मैंने उसको क्यों नहीं पार किया। अब एक तरफ बढ़ने से पहले ज़रा मैं नाज़िश के बारे में कुछ आपको संजीदा बात बताना चाहता हूँ।
और उस बात से उसका एक पहलू छोड़ दे अगर, तो दूसरे पहलू की वजह से आपको इनसे मोहब्बत हो जाएगी। इस लिहाज से कि अच्छा मैं समझाता हूँ, हुआ ये कि मेरा अपना ख्याल है, वैसे ये कन्फर्म कर देंगी कि बहन भाइयों में गालिबन आप सबसे छोटी हैं आप, और अभी भी इन्होंने बताया कि ये वालदा की लाडली, इनकी पूरी जिंदगी माँ के इर्द गिर्द घूमती रही। माँ अब फिर ये हुआ कि रिश्तेदार के घर जाना है तो माँ के साथ जाना है, दोस्तों के घर जाना है यानी माँ की तो माँ के साथ जाना है, माँ के बगैर इनका गुजारा नहीं था। 2012 में वालदा का इंतकाल हुआ, ये बिखर कर रह गई, बिखर कर रह गई, और बिखरने के बाद दो मरतबा इन्होंने खुदकुशी करने का इरादा किया, डिप्रेशन में मुब्तला रही, और इस कैफियत और मायूसी से निकलने के लिए रोज़ाना फिर ये इबादत करने लगी। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मईनुल क़ुलूब, फिर कुछ उम्मीद और लगन पैदा हुई और कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा हुआ। मैं ख़ुदकुशी की बात से इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन मैं माँ की मोहब्बत की इस मिसाल इस बार आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। माँ से प्यार मेरा ख्याल है अपने आप से प्यार होता है। जो लोग कहते हैं मैं अपने आप से प्यार करता हूँ वो झूठ बोलते हैं। जब तक वो अपनी माँ से प्यार ना करें वो अपने आप से प्यार नहीं करते, क्योंकि उनका अपना आप उनकी माँ की देन होता है। उनका गोश्त, उनका लोथड़ा बनना, उनका खून बनना, उनके अंदर दौड़ता हुआ खून, उनकी जिल्द, जिल्द की रंगत, बात करने का अंदाज, आँखें, नाक, सब कुछ माँ होती है। माँ अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं तो फिर आप अपने आप से प्यार नहीं करते जब तक कि आपको अपनी माँ से प्यार न करें। तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि आप ये माँ की मोहब्बत मिसाली है, और यकीनन आप जैसी औलाद की वजह से और उनके वापस पलट आने की वजह से, यानी आपके वापस पलट आने की वजह से, आपकी अम्मी इस वक्त आलम बरज़ख़ से आपको खुश व खुर्रम देख रही हैं और वो बहुत खुश हैं आपसे, क्योंकि अगर आप आज हयात हैं, आप उनसे मोहब्बत करती हैं, तो उनको ये बात याद है और याद रहेगी कि मेरी ये बेटी मुझसे दुनिया में भी प्यार करती थी, अब मैं आखिरत में हूँ, वहाँ भी मेरा ये जिक्र करती है। सो प्राउड ऑफ यू एंड बिग हैंड फॉर यू, बिग हैंड फॉर, बिग हैंड फॉर। अच्छा जी, अब ये बताइए कि ये तो बात हमारी आपकी वालदा से मुतालिक हुई, जब आप 9 बरस की थी, 9 साल की, तो आपकी लापरवाही की वजह से घर में डकैती पड़ गई थी। ये मैं बता चुकी हूँ। अच्छा, वालिद को एयरपोर्ट लेने जाना था, वालिद को एयरपोर्ट लेने जाना था, वालदा और बहन तैयार हो रही थी, आप फारिग बैठी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई, आप दरवाज़ा खोलने चली गई, मतलब यहाँ भी उठना पड़ा, उठकर आप दरवाजा खोलने चली गई, उठना पड़ा यहाँ भाई उठना, और देखा दो अजनबी हैं, हाँ एक ने काट दिया कार्ड, विजिटिंग कार्ड, और कहा घर में किसी बड़े से पूछ कर आओ जिसका नाम कार्ड पर लिखा हो, और वो उसी घर में रहते हैं जिसका नाम कार्ड, ये दरवाज़ा खोल का खोला छोड़ दिया, दरवाज़ा थोड़ा सा उठा के बंद ही कर देती लेकिन इन्होंने खोला छोड़ दिया। पुराने ज़माने में दरवाजे थोड़े उठा के बंद होते थे, क्योंकि जब खुलते थे तो उनका लकड़ी इतनी बड़ी हो जाती थी कि ज़मीन से गिरती थी उसको दरवाजा, मैंने बहुत देखे दरवाजे अजीब आवाज़ निकला, थोड़ा सा उठा के बंद करने, इन्होंने घर में घुसकर उन लोगों ने बंदूकें ताल ली क्योंकि दरवाजे खुला छोड़ा ही, बस एक गाना गाना रह गया था, आओ आओ डाकू अंदर आओ आओ आओ। उसके बाद पूरे घर का माशाल्लाह सफाया हो गया, वालिद जब एयरपोर्ट से आए तो वो घर नहीं था जो घर छोड़ दिया,
उस बात के आज तक इन्हें ताने पड़ते हैं कि तुम्हारी वजह से डाके पड़े। ऐसा होता है? अब तो मजाक में पड़ते हैं, पर हाँ ये मुझसे हुआ था और मुझे शुरू से बड़ी एक्साइटमेंट होती थी कि कुछ होने जा रहा है घर में, तो उस इवेंट में शामिल होना ही होना। तो अम्मा और जब छोटी मुझसे बड़ी वाली जब तैयार हो रही थी, अम्मा ने आवाज़ दी, जाओ देख कर आओ बाहर कौन है। छोटी थी तो ज़रा बाहर के काम मैं ही करती थी, छोटे से ही। मुझे एक और बात भी नाजी, इनमें एक और नाजिश भी है। नाजिश है या नायला है या नवीदा है, कोई भी है, कोई और लड़की भी अंदर छुपी हुई। उसकी वजह क्या? वजह ये कि बचपन में इस्लामाबाद में क़याम के दौरान, और ये बड़ी ठोस वजह, इस पर जितने पैरानॉर्मल एक्टिविटी के लोग हैं और पैरासाइकोलॉजिस्ट हैं उन्हें गौर करना चाहिए, वो ये कि इस्लामाबाद में क़याम के की एक याद है, और वो है कि एक मरतबा ईद के मौके पर ये चांद रात को इनकी फैमिली गाड़ी में सफ़र कर रही थी और गाड़ी को हादसा पेश आया, और इतना शदीद हादसा था कि सारे बहन भाई जख्मी हो गए, लेकिन अंदर जो नवीदा थी या नायला थी उसने नाजिश को बचा लिया, एक खराश तक नहीं आई। कोई है आपके? मैं तो फंस गई हूँ, आपको ये दोनों वाक्य पता कैसे? और अगर शायद मैंने डकैती वाला शायद कहीं बोल दिया हो, ये तो नहीं हो सकता है। मैंने नायला से बात, अब्बू से बात से, लेकिन हो सकता है नायला से है? ऐसा हुआ था चांद रात वाले, आप बची, आपको खराश तक नहीं, एक स्क्रैच तक नहीं आया, और जो बहन भाई को लगी थी तो मैं ब्लड लगा के इंटेंशन से कर दी, ले रही थी के। सोचो और गाड़ी बिल्कुल ऐसे हो चुकी, सोचो उस गाड़ी में नाजिश नहीं थी, नायला थी, वो इनकी बहनों को देखना नहीं चाहती थी। चले आ जाते जंबल वर्ड्स की तरफ, आइए। पहला वर्ड इस्लामाबाद। वाह वाह वाह, वेरी गुड नायला, वेरी गुड नाजिश। अर्थ पढ़ने लगी थी, इट्स थिएटर। यहां से आपका आगाज हुआ थिएटर, थिएटर। वैसे भी मैंने इनके बारे में सुना है कि अगर ये ड्रामा आर्टिस्ट ना होती तो इंटीरियर डिजाइनर या साइकोलॉजिस्ट होती। और साइकोलॉजिस्ट में चौंका हुआ मैं, साइकोलॉजिस्ट नायला जी दिखाए, एडवोकेट आप देख रहे हैं, हर सवाल के जवाब आ रहे हैं, फौरन कुछ नहीं रुकनी है। आ जाओ ये देखें, like ये देखें साथ ही मुश्किल दे दिया ना, बता देंगे आप नायला से पूछें। नायला से पूछे होस्टिंग नहीं, होस्टिंग में डबल ओ नहीं होता, सॉरी। स्किप, ये मुझे नहीं पता चला ये क्या है। जो आप करती हैं रोज, होस्टिंग जो आप रोज करती हैं, आप दो तरह से करती हैं। हाँ, एक तो आप का रूटीन है और एक आपकी वजह से कोई ना कोई हो जाता है। आपकी वजह से कोई ना कोई ये हो जाता है। माशाल्लाह खूबसूरत है, खुश कलाम है, खुश अंदाम है, खुश निज़ाम है, तो कुछ ना कुछ तो होता हो। I don't know.
एक स्टार जबरदस्त, एक लड़की का रिश्ता दरकार है, लड़के में चंद खूबियाँ हैं, नौ उम्र सैयदज़ादा, सीना कुशादा, बात करने में सीधा सादा, नेक चलन और सीधा सादा, हुस्न का दिल दादा, शादी पर आमादा, खूबसूरत और जवान, आला ख़ानदान, अरसे से परेशान के लिए एक हसीने मिसल हूँ, नशे शबाब में चूर, चश्मे मखमूर, चेहरे पुरनूर, बात अमीज़ो बादशाह हूँ, सुकूनत खाना काचा, बाउदर उसली कमल, सोमो सलाद की बाबू, दरकार है वरना जिंदगी बेकार। शूटिंग यस शूटिंग, मतलब एक खर्ची आप रोज हैं और आपकी वजह से कुछ शूट भी हो जाता है। आ जाइए अगला। ये आपकी एक अचीवमेंट है जो आप करने वाली, बल्कि कर चुकी है। आने वाले मस्ट बी माय लफंगे। लफंगे ये चॉकलेट भी नुस्वार की तरह खानी पड़ेगी। चुपचाप निकाला। अच्छा जी, कमाल हो गया भाई, आपने जंबल वर्ड कमाल कर दिए। उर्दू नामे की तरफ आते हैं। अपॉर्चुनिटी, मौका और जो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं वो मौका परस कहलाते हैं। चेस, पीछा करना वेरी गुड। Define. बयान। नहीं। Define करना तो किसी को। किसी को define करना। नहीं नहीं, बयान दो तरह के होते हैं ना, एक तो बयान statement होगी, एक बयान करना। अच्छा, किसी के बारे में। किसी के बारे में define करना। हाँ। Sorry। हाँ। Statistics। कोई जुमला बना सकते हैं इसका? बस बना दे, आप जो चाहें। मैं आपसे ले रही थी। शामिल होना, शुमार होना किसी चीज। आदाद और शुमार। चलिए जी, महावरों की तरफ आज से। नहीं बता देंगे, तस्वीर है और माशाल्लाह ऐसी तस्वीर है कि कमाल तस्वीर जी। ये तस्वीर नहीं जी, तस्वीर कहलाते हैं हम, कहते हैं मजबूर। ये एक आदमी भाग रहा है, भागते भागते इसकी, हालांकि इसने अच्छा खासा नेकर पहना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद इसको ये ग्रीन रंग की लंगोटी समझ में आया क्यों पहनी पड़ी। या तो नेकर का इलास्टिक ढीला होगा, वो गिर जाता होगा तो लंगोटी बचा लेती होगी, या लंगोटी गिरी जाती होगी। अब ये जो भाग रहा है, ये शक्ल से कोई शरीफ आदमी तो लग नहीं रहा। शक्ल? हाँ, इसी की शक्ल पे, इसकी आंखों पे नकाब चढ़ा हुआ है और ये कोई मजहबी चोर है क्योंकि टोपी पहनी हुई है। हैरत की बात, या तो मस्जिद से जूतियाँ चुरा के भाग रहे। चोर भाग रहे, चोर भाग रहा है, उसके पीछे पुलिस वाला दांत पीस रहा है, हाथों में उसकी हथकड़ियाँ हैं और इतना ज़बरदस्त पुलिस वाला है कि पोलियो का शिकार है, टांगे उसकी अच्छी है। पाकिस्तान में वाहिद पोलियो का मरीज यही है और उसके अलावा ये इन हालात में भी इसकी टाई की नॉट ढीली नहीं हुई, कैप गिर नहीं रही, हाथों में इसने हरे रंग का लंगोटी पकड़ी, आपने भी माशाल्लाह हरे रंग की पहने। अब ये भागता चोर है। बस भागते चोर के हाथ में क्या है? उसका लंगोटी। लंगोटी, हाँ, भागते चोर की लंगोटी। सही, वेरी माशाल्लाह। ये मुहावरे वाला जो भी सेगमेंट होता है मेरा पीरियड होता है। अच्छा, मैं इसमें समझाता हूँ स्टूडेंट्स को जो जो आज जी। अगला मुहावरा जी, हाँ, अब ये मिसाल के तौर पर यूं समझें कि आपको किसी से मोहब्बत हो और बहुत जोरदार मोहब्बत हो, हुई अभी तक नहीं हुई,
जिस तरह की आपने हंसी हंसी है इसका मतलब हुई से छोड़ दिया। तो चलो अब मोहब्बत हो गई। अब मोहब्बत जब होती है ना तो आदमी शुरू में बड़े बड़े जमीन आसमान के कुलाबे में लाता है, बहुत झूठ बोलता है। मर्द तो इतना झूठ बोलते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। बोलते हैं औरतें धोखा देती हैं, मर्द झूठ बोलते हैं। ये एक उसूल है। अब मर्द बोलते हैं कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। जैसा तो झूठ है ना, ये रहना रहना वाला झूठ है। बाकी तो ये कौन बोलता है? मर्द बोलते हैं ना पहले। अरे ये तो बोलना ही नहीं चाहिए। तो ये पहले तो मर्द ही बोलता है ना कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अंजुम नहीं, अंजुम नहीं, अंजलि, अंजुम नहीं, नविदा, नविदा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ दूँ। झूठ बोल रहा है। उसके बाद कहता है तुम चाहो तो मैं माँ बाप छोड़। इससे बड़ा झूठ बोल रहा है। फिर कहते हैं तुम बस राजी हो जाओ किसी तरह। और देखो बात ये कि हमारी तुम्हारी कंपेटिबिलिटी कितनी है। फिर झूठी झूठी कंपेटिबिलिटी बताएगा बताएगा आपको स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम पसंद है, खुद क्या मुझे पसंद है। शादी के बाद पता चलेगा कमीने को चॉकलेट पसंद थी। इसी तरह की बात ही करते हैं। तो इस मोहब्बत में आप कहेंगे मुझे चाइनीज खाना है। वो कहें अरे चाइनीज तुम्हें खाना है, मैं भी चाइनीज खाऊंगा। दोनों चले गए चाइनीज खाने। बाद में वो जो बाजार में क्या कहलाते हो अबे जो बाजार में बंद कबाब नहीं, बंद कबाब नहीं, मतलब ये कि भाड़े का खाना जो मिलता है जहाँ पर लंगर खाने वाले लोगों से। और फिर जो गाड़ी आपको अरे ये गाड़ी मतलब तो अच्छा। फिर इसी चक्कर में ये कहते हैं मोहब्बत। हाँ तो बता रहा हूँ ना उसकी तबीयत बांध रहा हूँ ना उसी में कह देते हैं एक दिन मोहब्बत में जब बहुत ज्यादा रोमांटिक मूड में हो चाहे बहुत रोमांटिक इंतहा से ज्यादा तो कहते सुनो नवीद क्या नवीदा नाम था नवीदा हम दोनों यक जान दो खालिक हैं। हालांकि ये कैसे हो सकता है यक जान दो यानी दो दिल एक जान एक जिस्म दो जान। हाँ, वही 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 एक जिस्म दो दिल। अब यक जान दो खालिब में आदमी बनता क्या है आप ये देखिए ना यही मुहावरा है ना एक जिस्म दो दिल या एक जिस्म दो जान। नहीं मुहावरा तो ये नहीं यक जान दो खालिब है यही हुआ ना आसान उर्दू में ये तो ये क्या ये आसान। तो वो कहता आखिर में ये जिस वक्त वो ये कहता है उसी वक्त या तो रिश्ता मुस्तरद हो जाता है या शादी हो जाती है और उसके एक महीने बाद तलाक हो जाती है क्योंकि कल्ब अलग 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 होने चाहिए। दो यकजान दो कालिब नहीं हो सकते। नहीं हो सकते अल्लाह ताला के उसूल के खिलाफ। वो कहते तुमने फितरत में भी घुसना शुरू कर दिया। कल तक तुम्हें पंजीरी पसंद थी उसे भी पंजीरी पसंद, तुम्हें पानी पूरी पसंद उसे भी पसंद, अब तुम कह रहे हो यकजान दो कालिब। ये कैसे होगा? हमने हर कल्ब को अलग बनाया है, हमने हर जान को अलग बनाया है। तुम मिलोगे मिल के दिखाओ, दूसरे दिन टूट जाते। ये मेरा मुहावरे पे लेक्चर था। आइए अब आइए एक चुप सो सुख। वाह 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 एक चुप सो सुख। मैंने रीसेंट ये किया हुआ है। नहीं नहीं मैंने ये मीम देखा है रीसेंट। आजकल सोशल मीडिया पे चल भी रहे थे एक पेज है मैंने इसलिए फॉरन ये पिक्चर से पहचान बिल्कुल ऐसे ही था और नीचे लिखा होता है कि कमेंट्स में बताएं टेल बिलो द कमेंट देयर इज अ पेज। तो मुझे ये फॉरन पिक्चर से ये वहीं से उठाते हैं हमारे लोग। अच्छा अच्छा जी आप बताइए। अच्छा एक काम आप कीजिएगा जिंदगी में नाजिश वो ये कि आप ये मत कीजिएगा आप भले जिंदगी में ऊंट की सवारी करें घोड़े की भी करें लेकिन हवा के घोड़े पे कभी सवार मत हो। हवा के घोड़े पे सवार होना यही है। अगर आपको कोई एबीसीडी कहे और आप एबीसीडी रिपीट करते हैं तो वो आंसर होगा। वाह वाह कमाल भाई क्या प्रोग्राम उठाया है आपने। वाह उठाया वाह वाह। चलिए अब सेलिब्रिटी गेस करें ये एक ऐसी खातून है जिन्होंने अदाकारी की इतनी जहते मुतारिफ कराई कि पाकिस्तान में आज तक अदाकारी की इतनी जहतें कोई मुतारिफ नहीं करा सका। नंबर एक। नंबर दो इन्होंने उम्र के मयार के मुताबिक रोल्स कबूल किए। हमारे यहाँ बहुत सारी ख्वातीन ऐसी हैं जो
हीरोइन ही रहना चाहती हैं। इन्होंने कहा कि नहीं अब मैं नहीं। तीसरी बात, इनकी बेटी बहुत टैलेंटेड है, बहुत ज़बरदस्त है और मैं तो उनको बहुत पसंद करता हूँ। और सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने पहली आवाज़ बुलंद की थी मीठू की। तो अब आप बता दें सबा हमीद, द मदर ऑफ मीशा शफी। शी रिजेंबल्स टू माय मदर इवन। बहुत प्यारी खातून। तो ये अगला दिखा दी। इट लुक्स लाइक शाहरुख खान बट नो ऑब्वियसली। सिर्फ आंखें ही देख सकते हैं। नहीं नहीं, हम आपको ये आदमी तो पूरे दिखा सकते हैं। पूरे दिखा दो। ये कौन है? इसे कटलाइन कटलाइट में अपनी तस्वीर बनवाई है। पूरा जगह बीच का भी खोल दो। आपने तस्वीर गलत चुनी है। मैं नहीं चुना, मैं तो सिर्फ दावल दाल और चावल चुनता हूँ, तस्वीरें चुनता ही नहीं मैं। अगला दिखा दिया जा। ये असल में इनसे एक बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है मेरा। आपका? जी हाँ, गहरा ताल्लुक से मुराद ये कि मतलब कि मैं इनका गार्जियन भी रहा हूँ, सपोर्टर भी रहा हूँ, इनको बचाता भी रहा हूँ और इनको सजाता भी रहा हूँ। सजाने से मुराद ये कि अपने शोज में लाकर जो इनकी असली शख्सियत है वो बचाता हूँ। एक इंतहाई मिलनसार, एक बहुत ही प्यारी और ऐसी के जिनसे मोहब्बत हो जाए, ऐसी शख्सियत। नाम भी कुछ ऐसा है कि आपको बहुत खुशी हो नाम सुनकर। आजकल इन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी और अब लोगों के नाक कान आंखें अच्छी करती हैं। शाइस्ता, डॉक्टर शाइस्ता। शी इज माई फ्रेंड और बहुत अच्छी। She's very pretty. इनका भाई भी मेरा दोस्त। अच्छा। ये भी मेरी दोस्त। इनकी अम्मी मेरे लिए दुआएं करती हैं और मैं जब भी जाता हूँ कि घर में कोई ना कोई चीज उठाता जरूर। अच्छी आगे बताना है आप। ये बताऊँ क्या है ये उठाने का? बताऊँ क्या ये जो है? हाँ। ये एक ऐसे अदाकार है कि जो जैसे कि हमारे इकरारुल हसन को तो जानते हैं आप। इकरारुल हसन ने इनके नाम का आखिरी हिस्सा लेकर बट कढ़ाई खोल ली। अहमद बट तो नहीं हो सकते हैं। कौन नहीं हो सकते? अहमद बट नहीं। बट कढ़ाई खाई हमने। हाँ। इकरार की बट कढ़ाई। हाँ। मैं मुझे नहीं बुलाता हूँ, मैं उसका भाई हूँ। मुझे भी नहीं बुलाया कोई बात। इकरार देखो बहुत बुरी बात है वो। देखो नाजिश भी कह रही है, मैं भी कह रहा हूँ हमें बुलाओ। बुलाओ, हम तुम्हारी बटकड़ाई खाना चाहते हैं और सरेआम खाना चाहते हैं, तुम्हें बुलाओ। तो इकरार बुला लिया। खैर, लेकिन ये इकरार ने बट निकाला इसमें से, बट कढ़ाई बना ली, ये खाली लटके के लटके मुनी भी रह गए। सरनेम बट है। पूरा नाम बता चुके मैं। हैं? बता चुके हैं? हाँ? किया। पूरा नाम बता चुका हूँ मैं, बल्कि वो नाम लटका चुका हूँ और बट निकाल चुका हूँ। पूरा खोल दो भाई। मुनी बट ये जो कह रहे थे ना। और हम आपको लिए चलते हैं बाग में। आइए बाग में लेके चलते हैं। बाग में? बाग आ गया। ये एक बहुत खूबसूरत बाग है और इस बाग में ये खुद ही मैना है, खुद ही बुलबुल है, खुद ही कोयल है और खूबसूरत अपने बाग में गाती है।
इनका नाम बाग है, इनका जो नाम है उसका मतलब है बाग। सबा का बाग, बाग गाती है गाने। अच्छे गाने। क्या गाने गाती है, मेरी पहली और आखिरी पसंद गानों। गानों में जी बा म्यूजिक से हदीका कयानी द बदन होने। अगर पाकिस्तान में हदीका कयानी पैदा ना होती तो मैं किसी की गाली ना सुनता। एक अजीब सी आवाज है और हदीका कहते हैं बाग को। वक्ते की तरफ बढ़ते हैं, वक्ते के बाद जब आएंगे तो एक नया अंदाज है, लेकिन वक्फे में जाने से पहले हदीका आप बहुत याद आती हैं, आपसे जब मुलाकात हुई थी हमने शो रिकॉर्ड किया था, नादी अली कैसा है उसका बहुत ख्याल रखिएगा। एक वक्फे के बाद हाजिर होते जी भाई पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़िश जहांगीर हमारे साथ मौजूद हैं और नाज़िश जहांगीर का जब भी मैं नाम लेता हूँ मेरा तवज्जो जहांगीर रोड की तरफ चले जाती है। उसकी वजह ये मेरे हल्के में जहांगीर रोड तो जहांगीर रोड की तरफ चले जाती है। कभी कभी लगता है आप जहांगीर रोड पर तो नहीं रहे कभी। अब इशारों इशारों में गेम क्या खेलेंगे, अब बहुत सारी चीज़ें आपको समझने की जरूरत नहीं है। उसमें ये होगा कि मैं आपको, आप मुझको ये कार्ड दिखाएंगे, इसको मैं देखूंगा और उसको देखकर मैं कुछ करूंगा। जो मैं करूंगा, जो लिखा होगा मैं वही करूंगा। डन है। आप बस देखें ना, आप देखें। ओ। इसको थोड़ा सा इंसान ये निकाल ले। हाँ, मैंने देखी। दूसरों को देखते चले, हम इसको साइड पे कर देते। मैंने देखी अपना, अपनी चीज नहीं देखते। ठीक है, दूसरे देखें। ये बहुत जरूरी होता है। आप अब दिखाएं मुझे आकार दिखाएं। हाँ जी। जा। सीधे जा। फाइटर कराटे कराटे मास्टर। जादू बाबा जी। शुमंत जादूगर जी। हाँ जादू। क्रिकेटर क्रिकेटर यस। अच्छा मजदूर नो कूली कूली यस। जी डॉक्टर यस। जो आप हैं या वो मैं पेंटर मिस्त्री कौन है। वाह वाह।
प्लांट्स मारी, पत्ते भी काट रहा था समय। अच्छा था यार, इतनी मेहनत करवा रहे हैं। ये कह रहे हाँ जी, बावर्ची। हाँ बावर्ची। दाजीन आपने देख लिया मैं एक वक्त में क्या क्या कर सकता हूँ। ये बास्केट आपकी हुई? नहीं, ये बास्केट मुझे आपको देनी है। ये मुझे बास्केट आपको देनी है, लेकिन मैं एक वक्त में क्या कर सकता हूँ ये आप सब लोगों ने देख लिया। नाजिश जहांगीर से मिलकर बहुत खुशी हुई। आप बहुत कम गो हैं, गुफ्तगू कम करती हैं, सोचती ज़्यादा हैं। मेरा ख्याल है कि बोला ज़्यादा करें, सोचा कम करें। इसी के सोचे इंसान को अच्छा, सोच एक घोड़ा होता है, अगर आप इस पर बैठ जाएं तो ये सरपट भागता है और आपको पता नहीं कहाँ ले जाता है। तो आप सोच के घोड़े पर सवार ना हो, आप गुफ्तगू के शुतुरमुर्ख पर सवार हो जाए। वो ऐसा ऐसा चलता है लेकिन कहीं रुक जाता है, बोलता जरूर है। सोच इंसान को कभी कभी बहुत सारी बातें ना कहने पर मजबूर कर देती है, जबकि नाजिश एक ऐसा रोशन चेहरा है और ऐसी रोशन गुफ्तगू करने वाली खूबसूरत सी खातून है कि इनको बोलते रहना चाहिए। ये पाकिस्तानी टेलीविज़न इंडस्ट्री की किसी दरख्त पर बैठी हुई कोयल की तरह है, और कोयल अगर खामोश हो जाए तो फिर बाग का जो रौनक है उसमें कमी आ जाती है। और इनको अगर घमंडी में लोगों ने पसंद किया है तो घमंडी जैसे किरदार ये और करें। एक्सप्रेस का घमंडी इसमें मकबूल तरीन ड्रामा सीरियल है और उसमें इनका किरदार बड़ा अहम है। मैं चाहूँगा कि ये मेरी ख्वाहिश होगी, चाहूँगा क्या, मेरी ख्वाहिश होगी कि ये घमंडी जैसे किरदार अदा करती रहे या वो उठा लें, क्योंकि मैंने काफ़ी देर तक उठा के रखा है। और घमंडी देखना मत भूलिएगा, क्योंकि घमंडी में पूरा घमंडी ड्रामा इन्होंने उठा रखा है, लिहाजा इसी वजह से वो देखना ना भूलिएगा। नाजिश आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कुछ कहना चाहेंगे? खुश रहिए, थैंक यू फॉर हैविंग मी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी एक ख्वाहिश भी थी आपसे मिलने की। अच्छा, बताया नहीं आपने? क्यों नहीं थी, काफी टाइम से, बहुत काफी टाइम भी बताया आपने, बहुत कुछ सीखते आ रहे हैं आपसे, सीखने के लिए मिलना चाह रहे थे। संजीदा बात है ये, एक्चुअली बहुत सीखा है आपसे, बहुत नॉलेज मिली। सीखने के लिए क्यों मिलना चाहते? डॉक्टर हैं आप, डॉक्टर है? बहुत कम लोगों के पास ये सलाहियत होती है कि वो सिखाए, इतनी नॉलेज होती है। मैं ना करूं आपकी तारीफ? नहीं, आप करें। मुझे सीखना पड़ा, मैं खुद सीख रहा हूं अभी, कोई मिलकर सीखे। हाँ। मैं सिखाना चाहता हूं आपको, आप सबको सिखा रहे हैं। हाँ, मैं तो बहुत कुछ सिखाना चाहता हूँ लेकिन सीखे। बारह बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तो शिव नहीं, नाजिश के लिए बहुत सारी तालियां। और नाज़रीन इसके साथ ही जोरदार नारा, जीवे पाकिस्तान।